असलम फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फ़ाइव लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देखेंगे आज और इसके अंदर हम 5.66 से लेके 5.84 तक की एक्सरसाइज़ को कवर करेंगे अब तक जो हमने टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं उसमें हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को देख लिया है सोलूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को देख लिया है और इसके अलावा हमने uh, सामिल तेनीस इक्वेशन के अंदर हमने मैथड ऑफ एलिमिनेशन को देख लिया है ठीक है आज के हम लेक्चर के अंदर मेथड ऑफ सब्सिट्यूशन की बात करेंगे तो हम लेक्चर की तरफ चलते हैं शामिल थे इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सब्सिट्यूशन ठीक है सब्सिट्यूशन का आपने समझना ऐसे है कि सब्सिट्यूट का मतलब होता है कि एक चीज़ की जगह दूसरी जगह दूसरी वैल्यू को पुट करना ठीक है हर चीज़ का कोई ना कोई सब्सिट्यूट होता है तो हम एक वैल्यू को हटा के या एक वैल्यू के अंदर हम दूसरी वैल्यू को सब्सिट्यूट कर रहे होते हैं एलिमिनेशन के मेथड के अंदर हम वैल्यू को वहाँ से निकाल रहे होते हैं एलिमिनेट कर रहे होते हैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम डील करेंगे ठीक है वैसे ही यहाँ पे साइमल्टेनियस चेनीज इक्वेशन दी गई होंगी बिल्कुल उसी तरीके से हमने इनकी एडिशन सप्रेक्शन सब चीज़ें वैसे ही करनी है हमने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस चैनल के लिंक्स को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली जिसने भी बिजनेस मैथमेटिक्स को पढ़ना है उनसे ज़रूर शेयर कीजिए और इससे जिस जिसकी भी थोड़ी बहुत भी कोई हेल्प हो जाती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी वो ठीक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हम लेक्चर की तरफ चलते हैं यहाँ पे मैंने लिया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ़ सब्सिट्यूशन ठीक है इसका 5.66 हमने यहाँ पे लिया है 3x एक्स प्लस वाई इज इक्ल्स टू थ्री सेवन एक्स माइनस टू वाई इज ठू फोटी सिक्स ठीक है यहाँ पे हमने ये दोनों इक्वेशंस को लिख लिया एक दफ़ा और इसमें इक्वेशन वन का नाम दे दिया इसको और इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दिया इसके अंदर हमने सॉल्व करना है इसको हम एलिमिनेशन में आपने देखा था कि हम वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके कोई ना कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर देते थे तो वो एक एक्स की या फिर वाई की वैल्यू जो है वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाती थी लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे यहाँ पे हम सॉल्व इक्वेशन फॉर इक्वेशन वन फॉर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स ठीक है इक्वेशन वन थी हमारे पास थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्व टू थ्री ये यहाँ पर लिख ली इसके बाद हम y को सेपरेट कर रहे हैं और बाकी तमाम वैल्यूज़ को हम दूसरी साइड पे यानी कि 3x को हम शिफ़्ट कर देंगे इस साइड पर ठीक है 3 के पास तो ये 3x प्लस का था यहाँ जाके हो गया माइनस का 3x और y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x और इसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया है 3 ठीक है ये वाई की फाइनल वैल्यू नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक्स भी आ रहा है हमने सिर्फ अभी फ़िलहाल इस वैल्यू को निकाला है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई की वैल्यू को ठीक है इसके बाद पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन टू हमने इक्वेशन वन से बनाई थी इक्वेशन नई इक्वेशन इक्वेशन टू के अंदर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे ठीक है इसी इक्वेशन के अंदर नहीं करेंगे दूसरी इक्वेशन में करेंगे दूसरी इक्वेशन दी हुई थी सेवन एक्स माइनस टू वाई इज इक्व टू फोर्टी सिक्स यहाँ पर लिख ली इसके बाद जहाँ पे वाई आ रहा है वहाँ पे हम ये इक्वेशन थ्री वाली वैल्यू लिख देंगे यानी कि थ्री माइनस थ्री एक्स यहाँ पर टू वाई आ रहा है यहाँ हमने लिख दिया थ्री माइनस थ्री एक्स बाकीवेशन पूरी इट इज़ लिखी इसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर ली टू थ्री जो सिक्स माइनस का सिक्स माइनस माइनस प्लस टू थ्री जो सिक्स सिक्स एक्स हो गया ठीक है एक सेवन एक्स ये है और एक ये सिक्स एक्स है दोनों के दरमियान प्लस हो रहा है ये हो जाएंगे थर्टीन एक्स फोर्टी सिक्स था ये माइनस सिक्स था हमने एक्स से इसको सेपरेट करना था तो हमने सिंपली इस एक्स को शिफ्ट कर दिया 46 सिक्स के पास तो यहाँ पे माइनस का सिक्स था यहाँ जाके हो जाएगा प्लस का सिक्स और फोर्टी सिक्स प्लस सिक्स फिफ्टी टू डिवाइड बाई थर्टीन ठीक है थर्टीन कहाँ से आया यहाँ पे ये थर्टीन मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वस टू की जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे जाके डिवाइड ठीक है इसके बाद आपने एक सिंपली कैंसले कैंसिलेशन करनी है थर्टीन वन ज थर्टीन और थर्टीन फोर ज फिफ्टी टू होता है ठीक है इस तरीके से हमारे पास आंसर एक्स की वैल्यू आ गई फोर अब ये एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आ चुकी है इस वैल्यू को हमने यहाँ पर जो इक्वेशन थ्री बनाई थी यहाँ पर हम पुट कर देंगे या सब्सिट्यूट कर देंगे पुट एक्स इजिक्वल्स टू तो फोर इनक्वेशन थ्री इक्वेशन थ्री दी हुई थी हमें जो हमने बनाई थी बल्कि वाई इज इक्ल्स टू थ्री माइनस थ्री एक्स थ्री एजटस माइनस थ्री एजट एक्स की जगह हम रख देंगे वैल्यू फोर ठीक है तो थ्री फोर्ज़ यानी कि थ्री माइनस ट्वेल्व इज इक्व टू वाई इज इक्वल टू माइनस का नाइन आ गया नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है फाइव पॉइंट सिक्सटी एट और इसके अंदर कहा जा रहा है फोर एक्स प्लस वाई इज इक्ल्स टू ट्वेंटी सेवन एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्ल्स टू माइनस नाइन ठीक है इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू इनको नाम दे दिया दोबारा से इसमें हम कोई भी एक वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे और तमाम वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाएंगे यहाँ पे मैंने ली है वैल्यू इक्वेशन टू x माइनस फाइव वाई इसको क्योंकि सेपरेट करना थोड़ा इजी है यहाँ पे भी हम कर सकते हैं इधर भी कर सकते हैं कोई ऐसा इशू नहीं है यहाँ पे मैंने इक्वेशन टू ली x माइनस फाइव वाई इज इक्वल्स टू माइनस नाइन एक्स यहीं पर रहा और माइनस नाइन के पास हमने शिफ्ट कर दिया माइनस का फाइव वाई जो जाके प्लस का फाइव हो गया इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थ्री का अब इसको हमने पुट करना है अपनी दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर पुट वैल्यू ऑफ़ एक्स इज इन इक्वेशन वन फोर एक्स प्लस वाई इज इक्ल्स टू ट्वेंटी सेवन यानी कि एक्स की जगह हम लिख देंगे माइनस नाइन प्लस फाइव फाइव ठीक है ये चीज़ लिख दी हमने यहाँ पे प्लस वाई इज इक्ल्स टू ट्वेंटी सेवन इनकी मल्टीप्लीकेशन कर ली तो माइनस का थर्टी सिक्स और फिर इसके बाद ट्वेंटी वाई फिर प्लस वाई इज ल्स टू ट्वेंटी सेवन इके वाई है इके वाई है दोनों एड हो जाएंगे ट्वेंटी वन बाय हो जाएगा और ट्वेंटी सेवन माइनस थर्टी सिक्स आ प्लस का थर्टी सिक्स हो जाएगा ठीक है इसके बाद फिर इसको y को सेपरेट करना है तो हमने y को अकेला कर लिया ट्वेंटी वन को हमने इसके पास ले जाके डिवाइड कर दिया ठीक तो इस तरीके से ट्वेंटी वन 21 ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी वन थ्री टाइम्स जाता है सिक्सटी थ्री ठीक तो ये वैल्यू आ गई x की अब सॉरी y की अब इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर जो इक्वेशन थ्री हमने बनाई थी यहाँ पर हम हाँ ईजिली पुट कर सकते हैं इक्वेशन थी हमारी एक्स इज इक्वल टू माइनस नाइन प्लस फाइव फाइव वाई की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं थ्री आई है फाइव थ्री इज फिफ्टीन माइनस नाइन आ था यहाँ पे आपने फिफ्टीन में से नाइन माइनस करे तो आंसर आ जाएगा हमारा सिक्स नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिया है फाइव पॉइंट सेवेंटी वन और इसमें इक्वेशन दी हुई है फोर ए प्लस नाइन बी इज इक्स टू फोर्टी टू माइनस टू ए प्लस बी इज इक्स टू ट्वेल्व इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का यहाँ पे दोनों को नाम दे दिया सॉल्व टू फॉर बी इन टर्म्स ऑफ ए बी को हम टू को हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर बी बी के लिए और इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन हमने यहाँ पे उतार ली पूरी इसके बाद बी को हमने सेपरेट कर दिया माइनस का टू ए था दूसरी साइड शिफ्ट करके हमने कर दिया इसको प्लस का टू ए. ठीक है ईजी वाली इक्वेशन उठाते हैं ये वाली ले सकते थे लेकिन इसके अंदर फिर हमें डिवीजन करनी पड़ती है तो ये हमारे लिए थोड़ी सी आसान है अच्छा फिर इसके बाद हमने <coughs> इसको इक्वेशन को हमने क्योंकि इक्वेशन टू को हमने चेंज किया था तो हम इक्वेशन टू की बजाय इक्वेशन वन के अंदर इस वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन वन थी हमारे पास फोर ए प्लस नाइन भी इक्वल्स टू फोर्टी टू और b की वैल्यू जहाँ पे इधर आ रही है यहाँ पे हमने लिख दिया ट्वेल्व प्लस टू ए ठीक है इसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर ले नाइन ट्वेल्व से मल्टीप्लाई होकर वन ओ एट हो गया और नाइन टू से एटीन ए हो गया फिर a से a प्लस हो जाएगा ट्वेंटी टू ए फोर्टी टू और माइनस का वन जीरो एट हो गया क्योंकि यहाँ पर प्लस का था दूसरी तरफ आके माइनस हो गया इन दोनों को माइनस किया माइनस सिक्सटी सिक्स हो गया और जब हमने यहाँ से ट्वेंटी टू को शिफ्ट कर देना है सिक्सटी सिक्स के पास वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ जाके डिवाइड हो गया और इस तरह से ट्वेंटी वन वन ज ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी वन थ्री जो है वो सिक्सटी सिक्स होता है इस तरीके से आंसर आ गया हमारे पास ए का माइनस थ्री अब हम इजीली इस ए की वैल्यू को इस इक्वेशन थ्री के अंदर पुट कर सकते हैं यानी कि बी इजीवल टू तो ट्वेल्व प्लस टू ए दिया हुआ था हमने यहाँ पे ए की वैल्यू को रख दिया माइनस थ्री सिंपली इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेंगे टू थ्री जो सिक्स माइनस का हो जाएगा ट्वेल्व माइनस सिक्स इज इक्ल्स टू सिक्स ये बी की वैल्यू आ गई ठीक है ये दो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी ये हमने सब्सिट्यूशन के मेथड के जरिए मालूम कर ली नेक्स्ट पर यहाँ पे लिया है हमने फाइव पॉइंट सेवेंटी फोर टू एक्स माइनस थ्री वाई इज टू सेवन सेवन एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस नाइन इज टू अच्छा देखिए इसके अंदर थोड़ा सा आपने इस इक्वेशन को बनाना है एक ही कांस्टेंट नंबर है एक ये कांस्टेंट नंबर है ठीक है तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे माइनस नाइन को शिफ्ट कर देंगे फोटीन के पास तो फोटी प्लस नाइन हो जाएगा और इस तरह से ये ट्वेंटी बन जाएगी इक्वेशन ठीक है तो ये हमने इक्वेशन वन नाम दे दिया और ये पर एकन टू का नाम दे दिया इसको दोबारा से हमने इक्वेशन वन को सॉल्व कर लिया फॉर एक्स इन टर्म्स ऑफ फाइव अब देखिए यहाँ पर टू और एक्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे और वाई भी थ्री वाई ठीक है इधर भी ऐसे ही हो रहा था तो इक्वेशन यहाँ पे कोई सी भी इजी वाली नहीं है एक ना एक को हमने डिवीजन में लेके जाना ही है ठीक है तो हमने यहाँ पे ले ली इक्वेशन वन टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू सेवन और टू एक्स वाइस सेपरेट करा सेवन प्लस थ्री वाई हो गया अब ये टू को भी यहाँ से हमने हटाना है क्योंकि एक्स को अकेला करना है टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ जाके हो गया डिवाइड सेवन प्लस थ्री वाई अपॉन टू हो जाएगा इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थ्री का इसके बाद पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू इक्वेशन टू के अंदर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे सेवन प्लस थ्री बाई अपॉइंट टू सेवन एक्स माइनस सिक्स वाई इज़ इक्वल्स टू ट्वेंटी ठीक है ये चीज़ आ गई हमारे पास सेवन प्लस थ्री बाय अपन टू हो जाएगा ये हमने वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पर एक्स की जो यहाँ पर हमने मालूम की थी इसके बाद मल्टीपिकेशन कर ली सेवन सेवनजा फोटी नाइन सेवन थ्री इज ट्वेंटी वन अपन टू माइनस सिक्स वाई इक्ल्स टू ट्वेंटी ठीक है इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया और एलसीएम ले लिया यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी इसका मतलब हमारे पास वन था तो हमने इसमें दोनों का एलसीएम ले लिया तो ये तो टर्म एज़ इट इज़ आ गई और यहाँ पे वन को टू टाइम्स हम करेंगे अगर इस तरीके से कि वन को टू टाइम्स जाता है टू तो टू सिक्स ट्वेल्व आए ठीक है माइनस का ट्वेल्व आय आ गया अब इसके बाद मजीद इसमें हम देख लेते हैं एक ही प्लस ट्वेंटी वन वाई है और ट्वेल्व आए है दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है प्लस माइनस माइनस होता है नाइन वाई हो जाएगा फोर्टी नाइन प्लस नाइन वाई फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसको टू को शिफ्ट कर देना है इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे यहाँ डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है फोटी नाइन प्लस नाइन वाई इक्व टू ट्वेंटी इंटू टू और ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू फोर्टी और ये फोर्टी नाइन यहाँ प्लस का था दूसरी तरफ जाके हो गया माइनस का ठीक है दोनों को हमने माइनस किया तो माइनस का नाइन और ये नाइन एक यहाँ पे भी रखा हुआ था इसको हमने इक्व टू की दूसरी साइड पे शिफ्ट जब किया तो ये यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड और माइनस नाइन अपॉइन नाइन इनके वाई इज़ इक्वल्स टू माइनस का वन हो जाएगा ठीक है ये हमने वाई की वैल्यू मालूम कर ली है अब इस वैल्यू को हम ईजीली अपनी इक्वेशन नंबर थ्री के अंदर रख सकते हैं सेवन प्लस थ्री वाई अपॉन टू के अंदर जिससे हमारी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी ओके पर एक वाई इक्वल्स टू माइनस वन एंड क्वेशन थ्री हमने ये इक्वेशन थ्री थी ये इसको लिख ली यहाँ पे एक दफ़ा और वाई की वैल्यू माइनस वन आई थी ये हमने यहाँ पे रखी और इनको मल्टीप्लाई कर लिया माइनस थ्री और सेवन माइनस थ्री टू ये हो जाएगा हमारे पास फोर अपॉइंट टू यानी कि टू वन ज टू एंड टू टू ज फोर और आंसर हमारे पास आ गया टू यानी कि एक्स हमारे पास टू आया और वाई हमारे पास आया माइनस का वन इसके बाद यहाँ पे लिया हमने 5.80 और इसके अंदर कहा जा रहा है फाइन टू नंबर्स हुज़ सम इज़ 67 सेवन एंड हुज़ डिफरेंस इज़ थ्री ठीक है वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप को यहाँ पे सवाल दिए गए हैं और इनको इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना है equation हमने इक्वेशन हमने बनानी आ गई है एक हम कोई से भी वेरिएबल एक्स ले लेते हैं और कोई भी दूसरा वेरिएबल वाई यहाँ पर इन्होंने कहा है कि दो नंबर्स हैं ठीक है दोनों नंबर्स हमारे क्या हुए वेरिएबल्स हुए जिनका सम जो है वो आ रहा है सिक्सटी यानी कि इक्वस टू के बाद वाली टर्म जो आ रही है सम उनका वो आ रहा है सिक्सटी एंड हुज़ डिफरेंस इज़ थ्री और अगर उसका डिफरेंस मालूम कर रहे हैं यानी कि अगर एक वैल्यू हमने x ली और एक वैल्यू y ली उन दोनों को प्लस करने पे 67 बन रहा है और माइनस करने के ऊपर हमारे पास वो यानी कि x माइनस वाई जो हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है थ्री ठीक कर है करके देखते हैं इसको और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट सपोज x एंड y आर टू नंबर्स हमने सबसे पहले सपोजिशन सब इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं ठीक है यहाँ पर हमने लिया एक्स और वाई एक्स और वाई जो है हमारे पास टू नंबर्स हैं जिनका सम करने पर आंसर आ रहा है सिक्सटी जो कि क्वेश्चन में हमें मेंशन था और इन टू नंबर्स को अगर हम माइनस करते हैं तो वो डिफरेंस हमारा आ रहा है थ्री ठीक है इनको मैंने इक्वेशन बना दिया है नाम दे दिया इक्वेशन वन का और इक्वेशन टू का बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे हम पीछे कर रहे थे नाउ ऐड इक्वेशन वन एंड टू अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड कर रहे हैं ठीक है क्यों कर रहे हैं ऐड क्योंकि अगर आपको याद हो हम एलिमिनेशन uh, के अंदर भी एक वैल्यू को निकाल देते थे ठीक है वही काम यहाँ पे भी हो रहा है एलिमिनेशन ही हो रही है कुछ सॉर्ट ऑफ एलिमिनेशन ठीक है हमने एक्स प्लस वाई इक्व टू सिक्सटी सेवन लिखा एक्स माइनस वाई इक्व टू थ्री लिखा और जब इन दोनों को ऐड किया हमने तो ये तो हो जाएगा हमारा टू एक्स लेकिन यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो ये प्लस का वाई है और ये माइनस का वाई है तो सिंपली ये दोनों हो जाएंगे यहाँ पर कैंसिल ठीक है और 67 में 3 ऐड करें तो 70 हो जाएगा और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो x इज़ इक्व टू इसको हमने टू एक्स इक्व टू सेवेंटी था इस एक्स को सॉरी uh, टू को हमने शिफ्ट करना है सेवेंटी के पास वहाँ जाके डिवाइड हो जा मल्टी uh, हो रहा था डिवाइड हो जाएगा और टू वन ज टू एंड टू थ्री जिक्स और वन कैरी गया तो टू फाइव जो टेन इस तरीके से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई थर्टी फाइव पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू अब एक्स की वैल्यू को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर टू के अंदर ठीक है ये एक्स की वैल्यू आ चुकी है इक्वेशन टू के अंदर हम रख सकते हैं कोई सी भी क्वेश्चन में आप रख सकते हैं मैंने क्वेश्चन टू चूज़ करी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू थ्री ली हमने यहाँ पे और एक्स की वैल्यू आई थी थर्टी फाइव माइनस वाई इज इक्वल्स टू थ्री थर्टी फाइव में से वाई हम माइनस करें अगर सॉरी uh, वाई को हम सेपरेट कर लेंगे हमने वाई को शिफ्ट कर दिया इस साइड पर दूसरी साइड पर तो माइनस का वाई था प्लस का वाई हो गया माइनस थ्री हो गया क्योंकि प्लस का थ्री था थर्टी फाइव माइनस थ्री करा तो वाई की वैल्यू आ गई थर्टी टू तो इससे हमें पता चला कि ये दो नंबर्स हैं जिनका सम करते हैं तो आंसर आता है सिक्सटी सेवन ठीक है अगर आप इसको करके देखना भी चाहें तो ये देखें आप कि हमने किया थर्टी फाइव प्लस थर्टी टू इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है सिक्सटी सेवन ठीक है फाइव प्लस टू सेवन एंड थ्री प्लस थ्री सिक्स और इन दोनों का डिफरेंस अगर हम मालूम करना चाहें इनके माइनस करना चाहें तो थर्टी फाइव माइनस थर्टी टू करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है थ्री ठीक है यानी कि हमने सिचुएशन जो वो हमें दिया था सवाल दिया हुआ था इसको हमने प्रूव कर दिया इसके बाद हमने लिया यहां rackets है यहाँ पे फाइव पॉइंट एटी टू अ डीलर सोल्ड टू हंड्रेड रैकेट वर सोल्ड एट रुपीज़ वन एटी ईच एंड द रेस्ट एट रुपीज़ थ्री थर्टी ईच ठीक है डीलर ने टू हंड्रेड रैकेट्स जो हैं वो सेल आउट किए हैं जिसमें से वन uh, एटी के हिसाब से जो है उन्होंने कुछ रैकेट सेल किए हैं और कुछ जो है वो थ्री थर्टी के हिसाब से सेल किए हैं टोटल जो उनको रिसीविंग हुई है वो फोटी एट थाउजेंड्स की हुई है ठीक है हमें नहीं पता कि कितने रैकेट्स उन्होंने वन के हिसाब से किए और कितने रैकेट्स उन्होंने थ्री थर्टी के हिसाब से किए ठीक है थीके? हमें नहीं आइडिया इस चीज़ का हमें सिर्फ टोटल तादाद देगी दे दी गई है कि दो सौ जो है वो सेल आउट हो चुके हैं कुछ वन एटी पर कुछ थ्री थर्टी पर हमें मालूम करना है हाउ मेनी रैकेट्स डिड द डीलर सेल एट रुपीज़ वन एटी यानी कि वन एटी के हिसाब से हमें कितने सेल किए ये मालूम करना है थ्री थर्टी से कितने भी किए इससे हमारा कोई अर्ज़ नहीं लेकिन हमने वन एटी के हिसाब से जो सेल आउट किए हैं रैकेट्स उनको हमने उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो सपोजिशन कर लेते हैं सबसे पहले कुछ चीज़ों की जिसके अंदर नंबर ऑफ रैकेट्स सोल्ड एट रुपीज़ वन एटी ईच इज़ इक्वल्स टू एक्स जो हमने वन एटी के हिसाब से सोल्ड आउट किए रैकेट्स उसको हमने नाम दे दिया एक्स का ठीक है क्योंकि हमें वैल्यू नहीं मालूम अजमशन है हमारी ये नंबर ऑफ रैकेट सोल्ड एट रुपीज़ थ्री थर्टी ईच इज इक्वल टू वाई फिर इसके बाद अगर हमने थ्री थर्टी में कोई रैकेट सोल्ड किए तो उनकी वैल्यू हमने ले ली वाई ठीक है अब ध्यान में ये रखिएगा कि हमने असल जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इस एक्स की करनी है क्योंकि हमें पूछा गया है कि हाउ मेनी रैकेट डिट द डीलर सेल एट रुपीज़ वन एटी ईच ठीक है तो इस हिसाब से हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है एक्स की ठीक तो हमने सिम्पली यहाँ पर लिखा एक्स प्लस वाई इज टू टू हंड्रेड हमें पता है कि इतने और इतने जमा किए हमने तो टोटल तो तो जो है वो 200 हंड्रेड रैकेट सेल किए ठीक है यानी कि 180 के हिसाब से एक्स रैकेट सेल किए थे नहीं पता हमें वैल्यू और 330 के हिसाब से हमने वाई रैकेट सेल किए थे नहीं पता हमें वैल्यू और टोटल जो है वो कितने सेल हुए 200 ठीक है अब इसमें मज़ीद आप देख लें कि वन ऐटी एक्स प्लस थ्री थर्टी वाई इज इक्वल्स टू फोर्टी एट थाउजेंड्स यानी कि एक्स जो है हमारी वो डिपेंडेंट वैल्यू है कि कितने रैकेट्स वन एटी एक्स रैकेट्स और थ्री थर्टी वाई रैकेट्स ठीक है और इन दोनों का सम जो उसने रिसीव किया टोटल रिसिप्ट जो उसके पास आई वो फोटी एट थाउजेंड्स बने ठीक है ये एक तरह से हमें दो इक्वेशंस बन गई हैं अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं इन इक्वेशंस को हम पहले नाम दे देते हैं इक्वेशन वन का और इक्वेशन नंबर टू का इसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया ये भी हमारा एलिमिनेशन uh, के अंदर आपने देखा था कि हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों वैल्यूज़ को बराबर करने के लिए तो वही काम यहाँ कर रहे हैं हमने इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई कर लिया थ्री से इसको करने की वजह ये है कि देखें आप जब 330 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 330x थर्टी एक्स ये भी थ्री थर्टी वाई हो जाएगा ठीक है और ये भी मल्टीप्लाई हो गई है सिक्सटी सिक्स थाउजेंड हो गया ठीक है अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको करना है सब्ट्रैक्ट ठीक है हमें ये y की वैल्यू जो है इसको यहाँ से एलिमिनेट करना है क्योंकि हमें y की वैल्यू नहीं मालूम करनी हमें सिर्फ x की वैल्यू मालूम करनी है अगर सवाल में कहा जाता कि 330 के हिसाब से कितने रैकेट सेल आउट हुए हैं तो हम इस वैल्यू को एक्स की वैल्यू को यानी कि ऊपर इक्वेशन वन को हम मल्टीप्लाई करते हैं वन एटी एक्स से ठीक है और उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ से एलिमिनेट हो जाती हैं ठीक है लेकिन अभी हमने इस वैल्यू को एलिमिनेट करना है तो हमने इसके थ्री थर्टी से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया ठीक है पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो गई अब इसके बाद जब हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करी तो इसकी हमने साइन चेंज कर देते हैं नीचे वाले नंबर्स की माइनस हो गया ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया ठीक है ये दोनों तो सिंपली कैंसिल हो गए निकल गए एलिमिनेट हो गए हमारे पास से इन दोनों को हमने किया तो बना 150x और सिक्सटी में से जब हमने फोर्टी माइनस करे तो बने एटीन ठीक है यानी कि 150x फिफ्टी एक्स इज इक्वल्स टू एटीन थाउजेंड्स अब इसके बाद हम इसको शिफ्ट कर लेंगे 150 को एटीन के पास तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ जाके डिवाइड हो गया दोनों की हमने कैंसलेशन कर ली तो वन को जब हम कैंसिल करेंगे इसके साथ तो ये बन जाएगा हमारा वन ठीक है और ये हमारी वैल्यू आ गई एक्स की तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देरफर वी कैन से दैट डीलर सेल वन ट्वेंटी रैकेट्स एट रुपीज़ वन एटी एच यानी ये डीलर ने जो है एक सौ अस्सी रुपये के हिसाब से टोटल एक सौ बीस रैकेट्स बेचे तो ये था हमारा आज का लेक्चर और इसके अंदर हमने आज जो बात करी वो हमने एक ही टॉपिक डिस्कस किया है यहाँ पर मैथड ऑफ सब्सिट्यूशन का ठीक है इन शाला तम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वारिटी के इक्वेशन को कवर करेंगे और इनके सल्यूशन हैं जिसके अंदर तीन डिफरेंट मैथड्स हैं मैथड ऑफ फ्रेक्श फैक्ट्राइजेशन मैथड ऑफ़ कम्प्लीटिंग द स्क्वायर और का फॉर्मूला ठीक है तो थोड़ा सा इसके अंदर आपको जो टाइम लगेगा वो फैक्ट्राइजेशन में और कम्प्लीटिंग द स्क्वायर में होगा अदरवाइज जो क्वाड्रेटिक फॉमूला है वो तो सिर्फ आपका एक सिंपली एक फॉमूला है जो आपने अप्लाई करना है और ठक थक आंसर आ जाना है आपका ठीक है उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और इस लेक्चर के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और इससे पहले भी आपको बताया जा चुका है कि तमाम बुके सवाल के सोलूशन आपको यहाँ प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे और आइंदा भी नहीं किए जाएंगे ठीक है तो कोशिश किया करें कि जो आपको यहाँ पे पैटर्न दिया है जिस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किए हैं उसी से मिलते जुलते बाकी के सवाल भी हैं कोई उसके अंदर डिफरेंट चीज़ नहीं है ख़ुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करें और अगर नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ज़्यादा आसानी जो है जिसमें रहेगी वो ये रहेगी कि आप जो है हमें इंस्टाग्राम uh, पे फॉलो करें ऑनलाइन ट्विटर डॉट पी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है और दूसरा आप फेसबुक पेज भी हमारा लाइक करें ऑनलाइन ट्विटर डॉट पी के नाम से और उस पर आप जाके हमारे मैसेंजर के ऊपर हमसे मैसेज के जरिए राबा कर सकते हैं इन शाली वहाँ आपके तमाम सवालत के जवाब ज़रूर मिलेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अल्लाह